गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज एक वीडियो बना के बनाने जा रहा हूँ। 24 किलोवाट का एक प्लांट है ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप प्लांट। उनका जनरेशन का प्रॉब्लम है दोस्तों। मेरे दुकान है, आपको पीछे मेरा दुकान दिख रहा होगा। दुकान के सामने एक दूध डेयरी है हमारे। उनका ये बड़ा प्लांट है 24 किलोवाट का। उनका जनरेशन बहुत कम हो रहा है ऐसे बोल रहे हो, महीना दो महीने से। अभी बुलाया है उन्होंने हमें, क्या फॉल्ट देखेंगे दोस्तों। स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है या सोलर पैनल का एंगल ठीक नहीं है, देखेंगे दोस्तों। कंडीशन वहाँ देखेंगे, वहाँ का सीन देखेंगे जाके क्या प्रॉब्लम है। वो पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे दो साइड है एक्चुअली, एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर है घर के लिए और एक 24 किलोवाट का इन्वर्टर है। दोनों पॉलीकैप के इन्वर्टर है। 4 किलोवाट का वो घर के लिए इस्तेमाल करते हो और 24 किलोवाट का वो उनके डेयरी के लिए। चलो अभी तो अभी आपको ये दुकान बंद करता हूँ मैं और आगे जा रहा हूँ मेरी फेरी को मेरे वायरमैन के साथ, वो दिखाता हूँ दोस्तों वीडियो। चलिए दोस्तों, ये डेयरी है हमारे दुकान के आगे। ये ऊपर प्लांट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल। कितने सोलर पैनल है वगैरह सब आप देखेंगे ऊपर जाके। या आगे की तरफ सोलर पैनल है, पीछे की तरफ भी है, बिल्डिंग के पीछे की तरफ भी है। कितने स्ट्रिंग बनाए, क्या बनाए, क्या किधर प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व करेंगे दोस्तों। वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलो अभी आप ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका एंगल भी परफेक्ट नहीं है, ये पीछे से पैनल जरा उठाने पड़ेंगे। आगे का एंगल परफेक्ट है, पीछे से पैनल उठाने पड़ेंगे दोस्तों। ये तो देखिए कैसा लगाया है, पूरा सफाई कर दिया है, पत्रे जैसा लगाया है, टीन पर सीढ़ जैसा, एंगल ही रहा नहीं। इसका एंगल भी चेंज करेंगे हम दोस्तों। अभी जनरेशन जब नहीं बढ़ा वायरिंग करके, तो इसका एंगल भी चेंज करेंगे हम। बड़ा प्लांट है दोस्तों। दोस्तों मैं ऊपर बिल्डिंग पर इन्वर्टर के पास आ गया हूँ। अभी इन्वर्टर ऑफ किया है, वायरमैन मेरा स्ट्रिंग के जो वायरिंग है वो सब वायरिंग निकाल दिया है दोस्तों। इसलिए मैं आपको पहले इसके वोल्टेज नहीं दिखा सका। अभी एक स्ट्रिंग हमने जोड़ी है, एक स्ट्रिंग के वोल्टेज देख रहा हूँ मैं। अभी पॉजिटिव निगेटिव कहाँ आ रही देख रहे, एक स्ट्रिंग में ये 13 पैनल जोड़ दिए एक स्ट्रिंग में हमने। आ रहा है दोस्तों 505 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। ये स्ट्रिंग एक हो गई, वायरमैन ने पहले आके सभी वायर्स निकाल दिए दोस्तों, कनेक्टर एमसी को। फिर हमने जोड़े, एक स्ट्रिंग तो हो गई, अभी दूसरी स्ट्रिंग तैयार कर रहे हैं दोस्तों। पैनल है दोस्तों पूरे सब मिला के। इसमें के 12 पैनल जो है तो उनके 4 किलोवाट को इन्वर्टर को लगा है, 4 किलोवाट के इन्वर्टर को। ये सभी बाकी के पैनल जो है, ये 13 पैनल के आप सीरीज कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। पहला वायर वगैरह सब चेक कर लिया, कुछ कनेक्टर से MC4 कनेक्टर से कनेक्टर निकल के बाहर आ गए थे दोस्तों। कुछ स्ट्रिंग के, पूरे स्ट्रिंग का सप्लाई भी नहीं जा रहा था इन्वर्टर तक। कम ज़्यादा पैनल की स्ट्रिंग बनाई हुई थी, अभी वो परफेक्ट हम 13 पैनल की स्ट्रिंग बना रही है, वो वायरिंग कर रहे हैं दोस्तों। अभी वायर को नीचे सब छोड़े हुए वायर आपको दिख रहे हैं दोस्तों। इसके पहले भी कौन तो मिस्त्री आके गया है, टैग वगैरह सब उसने तोड़ा, इसे भी हम टैग लगाएंगे। जनरेशन ये 2 दिन बढ़ता है क्या देखेंगे वायरिंग करके, नहीं तो इसका एंगल भी चेंज करना है हमें। पूरा ये नीचे लेंगे सब पैनल निकल के और नया स्ट्रक्चर तैयार करके फिर से परफेक्ट एंगल तैयार करके लेंगे वेल्डर के पास से। बहुत काम है इसका अभी। पहला हम देख रहे हैं स्ट्रिंग तैयार करके प्रॉब्लम निकलता है क्या, कितना जनरेशन बढ़ता है। 21 यूनिट्स जनरेशन हो रहा था इतने बड़े प्लांट का। अभी ये तैयार करके हम देखेंगे कितना जनरेशन होता है। अभी सेकंड स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, पहली स्ट्रिंग का आपने वोल्टेज देख लिया,
सेकंड स्ट्रिंग बना रहे, पैनल गिन के सब सीरीज पे सीरीज कर रहे दोस्तों। ये सेकंड स्ट्रिंग भी बन गई है, इसका भी वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, 502 वोल्ट आ रहा है सेकंड स्ट्रिंग का भी। सेकंड स्ट्रिंग भी 13 पैनल की बन गई, फर्स्ट स्ट्रिंग भी 13 पैनल की बन गई। इसका पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर रहा है उधर से, फ्यूज से पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर रहा है दोस्तों, अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, आया है, पोलैरिटी चेंज हो गई है हमारे यहाँ, अभी उधर से पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं हम। उस पर सब लिखा होता है पॉजिटिव निगेटिव, अभी वो स्लीव पर लिखा होता है पॉजिटिव निगेटिव, इधर की स्लीव उधर डाल रहे इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये कनेक्टर तो नहीं चेंज कर सकते दोस्तों, कनेक्टर अभी नहीं है हमारे पास, यहाँ की वायर चेंज कर रहे, निगेटिव की पॉजिटिव में डाल रहे, पॉजिटिव की निगेटिव में। दो स्ट्रिंग तो कंप्लीट हो गए, ये पूरे 24 किलोवाट के इन्वर्टर को 56 पैनल दिए हैं दोस्तों, और ज़्यादा पैनल भी वो कस्टमर ने अगर हमें बोला तो हम ज़्यादा पैनल भी उनको बिठा के देंगे। अभी स्ट्रक्चर भी इनका नया तैयार करने का है, हमें देखेंगे अभी, ये सब टेस्टिंग के लिए 2-3 दिन चालू है हमारा काम। इन्वर्टर पूरा बंद कर दिया है दोस्तों, बंद करके काम चल रहा है, फ्यूज वगैरह निकाल दिया है, देखिए ये DC भी है, 3-phase इन्वर्टर है ये, 24 वोल्ट में आता है, स्ट्रिंग इन्वर्टर बोलते हैं, 4 स्ट्रिंग है इसे, ये पॉजिटिव निगेटिव इधर उधर कर दिया दोस्तों। MC4 कनेक्टर नहीं बदले हमने, इधर का पॉजिटिव निगेटिव उधर चेंज कर दिया वायर हमने। एक कनेक्टर भी ख़राब हो गया था, कनेक्टर एक बदला, तो वायर का डिस्टेंस बहुत कम रखा है इन्वर्टर तक, ये कनेक्टर एक बदल दिया दोस्तों। दो दिन हम दुकान मेरा 2 दिन बंद था, ये 2 दिन यही काम कर रहे थे हम, बहुत सारा लूज कांटेक्ट था, कनेक्टर में से वायर निकल के आए थे, कुछ कुछ स्ट्रिंग के कनेक्टर बदले, कुछ कुछ कनेक्टर में दे मिट्टी चली गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो गया था, पैनल में तो बहुत सारी मिट्टी जम गई थी कुछ कुछ पैनल में। तीसरी स्ट्रिंग तैयार कर रहे दोस्त, और ये 24 किलोवाट का इन्वर्टर का काम होने के बाद वो 4 किलोवाट के पीछे लगेंगे दोस्तों, उसका क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। तीसरी स्ट्रिंग, अभी इस सभी स्ट्रिंग के आप वोल्टेज दिखा रहे दोस्तों, एक फर्स्ट स्ट्रिंग का वोल्टेज आ गया, सेकंड स्ट्रिंग का वोल्टेज आ गया, थर्ड स्ट्रिंग का वोल्टेज आ गया, अभी ये चौथी स्ट्रिंग है, चौथी स्ट्रिंग को पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग आ रहे हैं, वो वायर उधर से चेंज कर रहे हैं दोस्तों। 2 स्ट्रिंग भी बताएंगे, ये पैनल की गिनती करके ले रहे हैं, बिल्डिंग के आगे की तरफ उसमें कितने पैनल बैठेंगे, स्ट्रिंग हमने बना दिए, अभी आगे के बाजू आ गए हम, पीछे के बाजू के पैनल में से 3 स्ट्रिंग बना के दे दिए,
उसमें तीन पैनल अभी बाकी है और ये आगे के पैनल है दोस्तों, इनमें से थोड़े पैनल हम दोस्तों ये आगे दिख रहा है आपको, ये आगे मेरा दुकान है दोस्तों, उस साइड दुकान मेरा दुकान है दोस्तों, दुकान उस साइड सामने वर्क इसके पॉजिटिव डेयरी के पॉजिटिव मेरा दुकान है चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स। अब ये स्ट्रिंग बना रहा हूँ दोस्तों, उधर का वायरिंग का काम, पीछे के साइड के बिल्डिंग का काम हो गया, आगे के साइड के पैनल गिनती करके हम 11 पैनल का एक सेट बना रहे हैं, इधर की स्ट्रिंग बना रहे हैं, चौथी स्ट्रिंग तैयार करके ले रहे हैं। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसके पैनल इसके ऊपर है, इस बिल्डिंग के ऊपर भी थोड़े पैनल है, वो 5 किलोवाट इसके ऊपर भी इसके दो पैनल है, उधर कितने पैनल है देखेंगे, अभी गए नहीं ऊपर, वो मिला के 5 किलोवाट को दे देंगे वो भी पैनल, और जो बचते हैं आगे के स्ट्रिंग में के पैनल वो अभी 4 किलोवाट का इन्वर्टर है उसे देंगे। इधर एक पैनल नीचे पड़ा है, उसका प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे, पहला ये 24 किलोवाट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या आता है देखेंगे दोस्तों, कितनी बिजली जनरेट होगी, फिलहाल अभी 20-21 यूनिट ही जनरेट हो रहे हैं इतने बड़े पैनल से, अभी ये वोल्टेज परफेक्ट 500-500 वोल्ट जा रहा है हर एक स्ट्रिंग को करेंगे, फिर कितना जनरेशन क्या होता है क्या देखेंगे दोस्तों, इसके बाद आगे का डिसीजन भी लेंगे हम, इनके पैनल भी बढ़ाने का है और एंगल भी चेंज करने का है। ये भी स्ट्रिंग तैयार हो गई दोस्तों, ये कनेक्टर बिठा रहा है, ये EMS का स्ट्रक्चर है दोस्तों, GI का स्ट्रक्चर नहीं EMS का स्ट्रक्चर है, हमने धोया भी नहीं था बहुत दिनों से, हमने धो दिया इसे, ये भी स्ट्रिंग हो गई दोस्तों कंप्लीट 13 पैनल की, एक पैनल का VOC 46 VOC 330 वाट के पैनल है दोस्तों, विक्रम के लोड देने के बाद इतना आता है, 507 वोल्ट आ रहा है 13 पैनल का पूरा वोल्टेज सीरीज में हो, सीरीज वोल्टेज 330 वाट के पैनल है विक्रम कंपनी के, 13 पैनल सीरीज में जोड़े हर एक स्ट्रिंग को, ये भी चौथी स्ट्रिंग भी तैयार हो गई, पहले क्या था कुछ स्ट्रिंग में 800 वोल्ट आ रहा था, कुछ स्ट्रिंग में 400 वोल्ट आ रहा था, ये सब बहुत प्रॉब्लम था, अभी हर एक स्ट्रिंग को हमने परफेक्ट वोल्टेज दे दिया है पैनल लगा के, सीरीज कनेक्शन परफेक्ट कर लिया है, चौथी स्ट्रिंग का काम चालू है दोस्तों, तीन स्ट्रिंग पीछे के साइड से पैनल से तैयार हो गई, अभी आगे के पैनल से एक स्ट्रिंग लास्ट स्ट्रिंग तैयार कर रहे हैं, 380 वोल्ट दोस्तों MPPT वोल्टेज है हाईएस्ट इसका, अभी हम 500 वोल्ट दे रहे हैं, 850 वोल्ट है सॉरी 850 वोल्ट तक, देखिए स्टार्ट होता है 160 वोल्ट, 850 वोल्ट है हम इसे दे रहे हैं, अभी 500 वोल्ट दे रहे हैं ओनली, 510 वोल्ट क्या तो समथिंग आ रहा है, अब इसमें जनरेशन परफेक्ट हमारे हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से नहीं, कस्टमर बोले ज़्यादा पैनल लगा के दीजिए तो पैनल भी ज़्यादा लगा के दीजिए, इसके बाद इसका प्रॉब्लम निकालेंगे ये काम होने के बाद, ये 3-phase इन्वर्टर है, 3-phase ACDB है, ये देखिए बस बार अंदर सब वायरिंग वगैरह है, अभी ये भी पैक करेंगे, इसका काम हो गया है पूरा, DCDB पैक करेंगे, इन्वर्टर ऑन करेंगे, आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वीडियो एक लगभग 30 मिनट का वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग इन्वर्टर बोलते हैं इसे, देखिए स्ट्रिंग आपको दिखाया मैंने, ये स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग है इसे, 860 वोल्ट एक वोल्टेज है इसका, हमने दे दिया है अभी 500 वोल्ट दे दिया है, अभी पैनल इसके बढ़ाने के, जनरेशन अगर नहीं बढ़ा परफेक्टली तो पैनल भी बढ़ाएंगे, चौथी स्ट्रिंग का चलो है प्रॉब्लम निकालना, चौथी स्ट्रिंग की भी इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर हो गया है, अभी
कनेक्टर हम नहीं बदलेंगे नीचे के, ऊपर की वायर बदल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए पॉजिटिव की स्लीव नेगेटिव में डालेंगे और वायर नेगेटिव में डालेंगे, इसलिए वो आती है इसमें। ज़्यादा स्ट्रिंग जो रहते हैं इन्वर्टर को उनमें स्लीव मिलते हैं, वो डाल के सब वायरिंग करना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए कुछ किसी को कुछ तकलीफ ना हो, मैंने वैसा ही किया है, परफेक्टली सब काम कर रहे हैं। स्लीव वगैरह हम निकाल के नहीं फेंका दोस्तों, इधर की उधर स्लीव लगा दिए और वायरिंग कर रहे हैं। फ्यूज में पॉजिटिव जाना चाहिए, नेगेटिव जा रहा था। कनेक्टर अभी नहीं बदला हमने, खाली वायर बदल रहे ऊपर की, और वो स्लीव भी अंदर निकाल उसमें मार्क किया है स्लीव पर पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी स्लीव उसमें डाल के अभी फ्यूज में लगा रहे। एक कनेक्टर रहता है, कनेक्टर में नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव फ्यूज में जाता है दोस्तों। चार स्ट्रिंग के चार फ्यूज हैं, चार कनेक्टर हैं और छः स्पीड है दोस्तों, स्पीड छः है। और दो कटअप करने के लिए दो स्विच भी है दोस्तों, दो स्ट्रिंग को एक दो स्विच है ऊपर। हो गया दोस्तों, चौथी स्ट्रिंग का भी काम हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दे दिया है हमने। मैंने अभी इन्वर्टर हम ऑन करके देखेंगे, मैं आपको पूरे सभी स्ट्रिंग का इन्वर्टर दिखाता हूँ। देखिए आ रहा है, देखिए अभी चौथी स्ट्रिंग का इन्वर्टर वोल्टेज भी आ रहा है, 508 वोल्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है 510 वोल्ट आ रहा है। ये तीसरी स्ट्रिंग का 511 वोल्ट आ रहा है, और पहली स्ट्रिंग का भी आ रहा है 505 वोल्ट आ रहा है। सभी स्ट्रिंग का वोल्टेज हमने समान कर लिया है दोस्तों, इक्वल कर दिया है। अभी जनरेशन कितना बढ़ता है देखेंगे। दो तीन बार क्या है, मेरे दुकान के सामने ही दे रहा है, इसलिए मैं दो चार बार जाके देखूंगा, 5 बजे भी जाके देखूंगा जनरेशन। अभी इन्वर्टर हमने ऑन कर दिया है, छः वाट अभी एनर्जी तैयार हो रही है, 1:30 है दोस्तों, 16 तारीख है। स्ट्रिंग का वोल्टेज दिखा रहा है 440 वोल्ट, 9 एम्पियर। दूसरे स्ट्रिंग का वोल्टेज दिखा रहा है, तीसरे स्ट्रिंग का वोल्टेज दिखा रहा है, रियल पावर फ्रीक्वेंसी। इन्वर्टर भी अच्छा है दोस्तों, पॉलीकप पूरा साइलेंट इन्वर्टर है, कुछ इसका आवाज़ आता नहीं क्या नहीं, फुल्ली साइलेंट इन्वर्टर है दोस्तों। अभी देखिए लगभग 7 यूनिट बन गए दोस्तों, एक आधे घंटे में ही 7 यूनिट बन गए। सात यूनिट बन गए अभी तक, यस्टरडे देखिए 33 यूनिट बन गए थे। सात यूनिट बन गए दोस्तों, 56 पैनल है 330 वाट के। अभी इस पर एक्स्ट्रा हम लगाएंगे, अगर इनका जनरेशन नहीं बढ़ा तो एंगल भी चेंज करेंगे इसका, देखेंगे। इसका दोस्तों ये वाईफाई भी बंद पड़ गया था, ये वाईफाई भी हमने चालू करके दिया, ये मोबाइल पर इनके जनरेशन नहीं दिख रहा था।
ऊपर जो वाईफाई राउटर रखा है उन्होंने, वो भी इन्वर्टर के ऊपर रखा है, वो भी बंद हुआ था वो भी हमने चालू कर दिया। अभी 5 बजे आया हूँ मैं, अभी देखेंगे क्या कितना एनर्जी अब तक बनाया है। अभी सुबह की एनर्जी आपको डेढ़ बजे की एनर्जी आपको दिखाई, अभी कितने यूनिट इसने बनाए देखेंगे दोस्त। 5 बजे मैं विजिट करने को आया था, ये 5 बजे का 18 यूनिट दोस्तों, ये दोपहर के है, दोपहर को भी काम चालू था तब के है ये 18 यूनिट। अभी 5 बजे सूर्यास्त के टाइम भी मैं जाके एक बार चेक किया है मैंने, ये भी इसमें होगा वीडियो में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सभी स्ट्रिंग का काम हो गया, अभी बॉक्स पैक करना बाकी है दोस्तों, सभी पैक कर देंगे हम अभी। ये भी अभी बंद ही रखा है हमने इन्वर्टर, इसका भी वायरिंग कल आके करेंगे। ये भी डबल स्ट्रिंग इन्वर्टर है, इसे सिंगल स्ट्रिंग में ही सप्लाई दिया है उन्होंने, इसका भी क्या झलझला है देखेंगे दोस्तों, इसका भी पर्ल निकालेंगे। 2 DC DB चाहिए, 1 DC DB बेटा है और 1 स्ट्रिंग की है। अभी 12 पैनल हमारे बचे हैं, अभी 12 पैनल इसे देंगे, थोड़े इधर उधर पैनल है उसको उनका भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमें, और इसी इन्वर्टर को हम देंगे। अगले वीडियो में इसका भी फॉल्ट क्या निकाला हमने, कैसे निकाला वो दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, देखिए अगले वीडियो में इसका भी आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। अभी हमने ऑन नहीं किया, ये ऑफ ही रखा है। इसके पैनल, थोड़े पैनल पीछे के साइड को 3 पैनल है, आगे के साइड को थोड़े पैनल है, और ऊपर जो पैनल है उनका सब सीरीज बना के इसे देंगे हम। अभी 12 पैनल हमारे बच रहे हैं, 12 पैनल इसे देंगे। वो बोले और पैनल लगाओ, और 1 DC DB लगाओ, तो और पैनल की परफेक्ट स्ट्रिंग करके डबल स्ट्रिंग में डबल सप्लाई हम देंगे दोस्तों, उसे और 1 DC DB बिठाना पड़ेगा। ये 24 किलोवाट का इन्वर्टर है, ग्रिड टाई इन्वर्टर बोलते हैं, और ये आगे का है वो 4 किलोवाट का। ये वायरिंग अभी हमने नीचे ही रखा है, अभी टैग वगैरह इसे नहीं लगाया है हमने, पूरा सब वायरिंग हो जाने के बाद परफेक्ट 1-2-3 दिन हमें चेक करेंगे कितना जनरेशन। अभी 20 तो अभी ये 20-21 जनरेट हो रहा था यूनिट दिन में, अभी ये हमारे परफेक्ट रिंग बना के कितना होता है देखेंगे दोस्तों। और इसके बाद भी कस्टमर बोला और ज़्यादा पैनल बिटा हो तो उनके बहुत सारे जनरेशन, बहुत सारा जनरेशन हो सकता है दोस्तों। अभी 4 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए वायरिंग रखा है, कनेक्टर निकल गया है दोस्तों, कनेक्टर लगा के 4 किलोवाट को सप्लाई देंगे हम। ये 7 पैनल रहे, ऊपर 2 पैनल है, और आगे की पीछे की तरफ 3 पैनल है दोस्तों, ऐसे मिला के सीरीज करेंगे दोस्तों पैनल। ये 7 पैनल है अभी, ये 7 पैनल है, ऊपर पानी की टंकी रहती है उसके ऊपर 2 पैनल है, और पीछे की तरफ 3 पैनल है दोस्तों, उनका सीरीज करेंगे और वो 4 किलोवाट के इन्वर्टर को देंगे दोस्तों। ये काम होने के बाद और एक पैनल हमारे चेक करने का है, क्यों रखा है इधर ये देखना है हमें, अभी ये भी चेक करेंगे। ऊपर का पैनल का भी एंगल आपने देख लिया दोस्तों, स्टार्ट में ही मैंने दिखाया उसे एंगल ही दिया नहीं है, ऊपर के 2 जो पैनल रखे है उसको। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये 29 यूनिट्स बन गए है दोस्तों, देखिए 29 यूनिट दोपहर तक बन गए है, 2 बजे तक।
दो तीन बजे तक। उसके बाद अभी पाँच बजे कितने यूनिट बने देखेंगे दोस्तों। सारी एसी डीबी पैक कर दिए, एसी डीबी पैक कर दिए, स्क्रू फिट कर रहे हैं दोस्तों। इसका ये 24 किलोवाट के इन्वर्टर का काम हो गया है दोस्तों। दोस्तों ये जनरेशन देखिए आज का, कल हमने फॉल्ट निकाला इसका, 46.7 के डब्ल्यूएच आज बन गए 5 बजे। अभी यस्टरडे का जनरेशन देखिए, ओनली 21 यूनिट था ओनली, माने डबल हो गए यूनिट्स। हमने इसका फॉल्ट निकाला था, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम था। फोर्टी सिक्स यूनिट बन गए अभी 5 बजे तक। पावर 1380 वाट आ रही है। ये अभी 4 किलोवाट का जो इन्वर्टर है बचे हुए पैनल के स्ट्रिंग उसके लिए बना रहे हैं दोस्तों। अभी पीछे की तरफ के 3 पैनल लेने हैं, ऊपर की तरफ के 2 और आगे की तरफ के 7 पैनल लेने हैं दोस्तों, उसकी स्ट्रिंग बना रहे हैं। इसका वायरिंग चालू है दोस्तों। ये अगले वीडियो में 4 किलोवाट के इन्वर्टर की आपको जानकारी दूंगा, उसका कितना वोल्टेज आता है क्या आता है सब आपको दिखाऊंगा दोस्तों। गिन रहे हैं पैनल, वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, ये हम रिपेयर करने को आए थे 24 किलोवाट का प्लांट, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। पूरा प्लांट दोस्तों 2 दिन में 20-21 यूनिट ही तैयार कर रहा था। ये स्ट्रिंग का बहुत प्रॉब्लम था, इसे हर एक स्ट्रिंग में अलग अलग वोल्टेजेस आ रहे थे, कम ज़्यादा पैनल बिठाए थे हमने बराबर सभी स्ट्रिंग में 13-13 पैनल बिठा के 4 स्ट्रिंग दे दिए इनपुट में। अभी आज का जनरेशन आपने देखा दोस्तों, 40 यूनिट अभी तक बन गए 5 बजे तक। देखेंगे इसके बाद भी इसका परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो दोस्तों उसे अभी पैनल बढ़ाएंगे हम। और ये स्ट्रक्चर जो है इसका, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका एंगल ठीक नहीं है दोस्तों, वो एंगल भी ठीक करेंगे हम, अलग सा स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों।